चंबल की धरती है। दूर तक फैली हुई ऊंची नीची भूरी घाटियां, जिन्हें चंबल वालों की जुबान में बीहड़ कहा जाता है। घेरदार घाटियां, घुमावदार मोड़, पानी पीछे पीना, पहले तू गोली छोड़, मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। अकेले जब मजबूरियाँ बोल ले लेते हैं कि मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में बंदूक उठाना पड़ी। आपने अपने जीवन में पहली बार पेड़ कब लगाया? पौधा जीवन में पहली बार कब लगाया? पढ़ता ही था एक गंगाजी स्कूल में। आपको याद है वो घटना? कहीं का पेड़ लगाए? पांड्या स्टूडेंट का एक अमरूद, अमरूद का पेड़ लगाया था। अच्छा, उस समय उसके फल भी खाए? कभी फल नहीं खा पाए? जिनके अब लगाए हमने, जिनके खाए रहे। अच्छा, ये आपने लगा रखे पीछे? फिल्म बनी है अभी पान सिंह तोमर, इतनी मतलब सुपर हिट हुई है दुनिया में। पान सिंह तोमर का पूरा छावे है और लोग प्रेरणा ले रहे हैं ऐसे लोगों से। पान सिंह तोमर में सुनने में आया कि तिग्मांशु जी जो इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने परिवार के साथ बड़ी नाइंसाफी की। माने तो परिवार में था, हम अकेले बैठे। हाँ, आपके साथ में तो मतलब नानसा भी की, इंटरव्यू आपने दिया, परमिशन आपने दी फिल्म बनाने की, संग रहे आपकी परमिशन के बाद में काम हुआ। आपने सुना है, हमने यहाँ ग्वालियर के लोगों ने बताया कि आप सुबह रोजाना 10 बजे निकलते थे, 10 बजे जब शूटिंग होती थी, आप वो महारानी पैलेस कहाँ जाते थे, वो जो राजस्थान का एरिया है जम्बल का, वहाँ आप रहते थे। इरफान आपके साथ रहे हैं, इरफान खान आपके साथ रहे हैं, तो इन्होंने उसमें कोई किसी तरीके का परिवार को कुछ नहीं दिया। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, जाए सुनने में कोर्ट तक चला, अभी कुछ हुआ नहीं उसका। अब बंदूक नहीं बोलेगी, भगवान के ऊपर भरोसा है। ओ प्रभु, ने दाल रोटी खाई है, अपने दाल रोटी खाए रहे। ऐसी कोई घटना याद करो जो जिसने शोहरत हासिल कर दी हो चंबल घाटी में, ऐसी कोई घटना जब आपने वो कांड जिस दिन हुआ था उस दिन तो तहलका मच गया था पूरे हिंदुस्तान। सबसे बड़ा कांड अंतिम जो एनकाउंटर हुआ जिसमें चाचा चले गए, एक पकड़ के गए यूपी में आगरा जिला। अच्छा, तो पकड़ 4 बजे में खा लेंगे गाँव का बोली के लिए। तो बाकी दहली की शादी वाली लड़की की उम्र बैठेगी 11 साल, गोली दोनों तरफ से चल रही, माने गोली की ना परवाह कर पाए। भैया राजे पकड़े तो सीधी आगे, माने मुन्ना दो गोड़े भाई पकड़ लाए, पकड़ के मैंने फेंकी, सुना गिरी जाए जैसी ऐसे ला रहा कोक तो थी तैसी करी लड़की, फिर वो भज गए आई बदमाश, तो पकड़ ले गए निकल गए। मैंने तुम मरने को फिर रही है का कहीं की बता, तेरे महीने आते हैं का अपनी भाषा में बोली। हाँ हाँ, तो कही हमारे तो की भैया एक हुआ है आज कल को हमारा पीता है, हमारे पैर को पूजे को क्या काम है, अगर तू आयो पूछे तो कर सकते हो। आत्मा चूटी कर के देखे भैया भी तो लंबे भी कर गए, इन लोगों का बदमाश पकड़ लेके आए, पकड़वाए मन गई मोड़ के 11 से पूजा निकाले, 1100 गांठ की और देने पड़े। हाँ, पैर आगे अपनी भगवती है वो तो खुश है जा। तो SP कलेक्टर ताज्जुब करता है आगरा के, वो कहता है कि बहन चोद गुजरों के अंदर तो कोई दिमाग नहीं है, ये कौन सा डकैत है। तो एक भदौरिया वो थाने डाक्टर बोला कि वो सूबेदार का भतीजा है बलवंत माता का, 11000 उसको उल्टे दे के आए, उल्टे जो पकड़ करी वो भी वापस दे के आए, शादी के चक्कर में, उस बच्चे के चक्कर में। हाँ, सिद्धांत डकैतों के सिद्धांत होते थे, बहुबेटी की इज्जत थी उस समय किसी हमारे सामने, तो जी को बहुबेटिया की इज्जत ही नहीं लूट सकते वो, और दजा तो कोई था वो खूब मिली और मिली, हम तो सो तो सो पकड़ाए थे पैर की चले जाए क्या लेना। आज कल दजा छूर घूम गई है। एनकाउंटर जो होता है ये एनकाउंटर फर्जी होता है? हाँ, देखो असली इनकाउंटर वो तो फीस बारिश भरेगी। अच्छा, ओके।
और फर्जी होगा तो? फर्जी होगा तो पुलिस वालों का मारे। हाँ वो तो जहर दे दो मैंने मारा आ रहे और उनको अंडा दिखा दिया जाके क्या मैंने 3 घंटा गोली चलाई कभी भी नहीं तय लगे अपन दवा नहीं दोनों तरफ की गोली चलेगी मरे। जेल में खाने के लिए क्या क्या मिलता था? जेल में समझ ले हो कि एक अंडा आधा किलो थी। नहीं ये तो बलवंता जैसे खतरनाक आदमी के लिए था, सामान्य आदमी को सामान्य आदमी का जो तकलीफ से जेल वाले खा जाते। अच्छा जेल के लोग खा जाते थे उनके नाम खा जाते वो तो खतरनाक माना भूखी मरे। आपको अंडा मिलता दूध मिलता? दूध मिलते चीनी मिलती 2.5 किलो घी था हमारे लिए कह दिया बताया घी मिलता। हाँ एक महीने में 2.5 किलो इस हिसाब का एक आदमी परिवार पे हम लोग कितनी मदद नहीं वो गवर्नमेंट ने इस कार्यक्रम में पहले बचाया बियड़ बचाएंगे बियड़। इस कार्यक्रम में आप लोग जिस तरीके से उत्साह दिखा रहे हैं सभी भागी और जो तरीके मुझे जो परिणाम नज़र आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर ले जा करके और प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन से इसको जोड़ा जाए तो आपको सबसे पहले अगर मोदी जी मिलेंगे तो क्या बात करेंगे आप? मोदी जी सोच यही रहेंगे कि जंगल है बचाओ यार पर्यावरण की रक्षा करिए आप सबसे ज्यादा पर्यावरण नहीं रहेगा तो कहाँ तिथान भाई को कहाँ करेंगे। देख रहे हो पानी की कितनी दिक्कत है ये राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा है और जो राजस्थान में एगो मनना बोर सारे चले गए नीचे नहीं पहले बरखा होती पड़ेगी आए जमाने में हम जब जंगल में तो मुन्ना फूट गए एक एक महीना जंगल में सूर्य नारायण ना दिख पाए ऐसी वर्षा होती है और बिना रात के धावा बन गई। इस पौधे को आपकी सेवा में